पहले हमें रोल बनाने हैं। देखिए किस तरह रोल बनते हैं। कॉर्नर से पतली पतली स्ट्रिप्स बनाते बनाते लास्ट में थोड़ा गैप छोड़ना है नीचे की तरफ। देखिए इस तरह, और लास्ट में कॉर्नर में गम लगा दीजिए। इस तरह हमने एक रोल बना ली है, और ये सब इतनी हमें रोल चाहिए होंगी। फिर हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, उस पे हमें ये न्यूज़पेपर लगाना है। देखिए न्यूज़पेपर कैसे लगाते हैं। पहले हम कार्डबोर्ड के नीचे यानी कि नीचे गम लगा देंगे इस तरह। फिर उसे न्यूज़पेपर पे चिपका देंगे। उसके बाद कॉर्नर से ऐसे इस तरह कट करेंगे। देखिए इसे हम कॉर्नर से कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चारों तरफ गम लगा देंगे। इस तरह, और फिर हम इस तरह इसे फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से। ये फोल्ड हो गया है, ऐसे हमें दो चाहिए होंगे, टू। और अब हम रोल लेंगे, और ये फिर हम एक कार्डबोर्ड लेके यहाँ पे एक रोल चिपकाएंगे। दूसरे कोने पे भी ऐसा ही लगाएंगे। तीसरे कोने पे भी और फिर हम चौथे कोने पे दो रोल लगाएंगे। देखिए किस तरह हम रोल लगाएंगे, टू। पहले हम एक रोल को टेढ़ा चिपका देंगे, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा गम फेरेंगे। फिर एक और रोल लेंगे, उसे भी इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे। और फिर एक और कार्डबोर्ड जो हमने आपके सामने दिखाया था, उसे इस कार्डबोर्ड के ऊपर यूं लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। हमने इस तरह इस पे गम लगा दिया है, अब हम इसको इस पे चिपका देते हैं। अब ये इस तरह चिपक गया है हमारा, तो फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने रखेंगे। फिर हम इसे पहले यहाँ पे मोड़ेंगे, फिर दूसरी रोल को ऐसे मोड़ेंगे, फिर तीसरी रोल को भी ऐसे मोड़ेंगे, चौथी रोल को भी ऐसे मोड़ेंगे। अब ऐसे ऐसे हमें करते जाना है। जब ये रोल छोटे पड़ जाए, जब ये रोल छोटे पड़ जाए इस तरह,
जब हमें इसमें दूसरे रोल लगा देने हैं इस तरह। इस तरह हमें ये पूरा ऊंचा बना लेना है। इस प्रकार हमने ये पूरा फ्लावर पॉट बना दिया है। इसके ये भी बन चुके हैं। ये लास्ट में हम यहाँ पे ग्लू डाल देंगे इस तरह। हमने एक ग्लू डाल दिया है, हमने इस तरह यहाँ पे ग्लू डाल दिया है। अब हम यहाँ से कट करेंगे, जो कॉर्नर कॉर्नर का जो हिस्सा बचा हुआ है हम उन्हें कट कर देंगे। इस तरह। और ये हमारा फ्लावर पॉट बन चुका है। अगर आपको हमारा फ्लावर पॉट पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करना।